सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया जनपद के इस अस्पताल में औषधि के साथ उपचार नीच शुल्क, मरीजों की लंबी कतार। शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर मझौली बलिया अपनी कार्य प्रणाली को लेकर चर्चा में है। आपको बताते चले कि यहां विभिन्न प्रकार के प्रकृति से जुड़े तथ्यों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है, जो बिल्कुल निशुल्क है। हॉस्पिटल के चेयरमैन आरवीएन पांडेय ने बताया, अस्पताल 5 गांव को गोद लिया है। इसके बाद अगर किसी अन्य गांवों से भी मरीज आते हैं तो उनका भी निशुल्क उपचार किया जाता है, जिसको लेकर अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। मरीजों ने बताया कि निशुल्क इलाज होने से हम लोगों को काफी मदद मिल रही है और बीमारी से भी बहुत हद तक काफी आराम मिल रहा है। यह जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पंचकर्म इलाज इस अस्पताल में आया है, जिसमें तमाम जड़ी बूटी पत्तियों से इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों को काफी राहत मिल रही है। हम डॉक्टर अतुल प्रकाश पाठक है। मैं यहाँ शांति आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पे हूँ। मेरे को यहाँ आए 1 साल हो गया। डॉक्टर साहब, क्या व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में, क्या चल रहा है वर्तमान में? वर्तमान में हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में, मतलब हमारे शांति आयुर्वेदिक कॉलेज में, इस समय पेशेंट आयुर्वेद से रिलेटेड गठिया, बाह, साइटिका, कमर दर्द, घुटने का दर्द, दिमाग से रिलेटेड, शुगर के, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे संस्था की तरफ से सारी चीज़ें, सारी सुविधाओं का मुहैया जो कराया जाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए। जैसे कि कोई गठिया बात का आया तो उसके लिए मालिश, सिकाई, मतलब पंचकर्म और दवाओं का, दवाएं जो हमारे यहाँ वो फ्री में उपलब्ध कराया जाए। जाँच जो हो रहे हैं कुछ, वो फ्री में कराए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ें उनको साथ जनपद में न्यूरो की बड़ी समस्या है, आपके हॉस्पिटल में क्या हुआ? न्यूरो से रिलेटेड हमारे पंचकर्म में बहुत अच्छे अच्छे पंचकर्म के बारे में बताया गया। शिरोधारा है, शिरोभ्यंग है और कई तरह की दवाइयां हैं जो न्यूरो पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनका उस जिस हिसाब के पेशेंट रहेंगे उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे सेंटर में। पंचकर्मा है, दवाओं से है या और जो भी सुविधाओं से हो कर सकते हैं। हम बिल्कुल निःशुल्क चलाया जा रहा है, सारी चीज़ें निःशुल्क है। आपको दवा से लेके, जांच से लेके, पंचकर्म से लेके हर चीज़ फ्री आपको यहाँ होगा। कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? पेशेंट हमारे बलिया के नियर, जैसे मनियर हो गया, सिकंदरपुर, सुखपुरा हो गया, आपका 5 गाँव को हमारे कॉलेज ने गोद लिया है। वो 5ों गाँव से पेशेंट ज़्यादा मात्रा में आते हैं। शहर से आते हैं, बलिया शहर से आते हैं, आपके फेफड़ा वगैरह तरफ उधर से आते हैं। आपके न्यूरो को अगर कोई मरीज आता है तो उसका इलाज होगा? हाँ बिल्कुल, उनका इलाज संभव है। गोद लेने का क्या मामला? वो कॉलेज का अपना, 5 गाँव को कॉलेज ने गोद लिया है, जिनमें कि 5 सरैया, बघौली, डुमरी और भी 2 गाँव हैं, जो 5 गाँव टोटल हैं। उनसे उनको स्पेशली हम लोग ध्यान देते हैं। उनका सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, उनको विजिट किया जाता है, फ़ोन करके बुलाया जाता है। 5 गांव की अपेक्षा अलग और भी गांव में आते हैं? नहीं, किसी को पैसा नहीं दिया था, कोई कह ही नहीं सकता आप फ्री है सब। आपने शुगर की बात कही तो जो आज के डेट में तमाम हर लोग शुगर के पेशेंट में तमाम देखा लोग, क्या कहना? देखिए क्या है कि शुगर का जो ट्रीटमेंट होता है, शुगर के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, खान पीना, दवाएँ, जांच, उनका नियमित योगा से। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा, जैसे पेशेंट आया, दवाओं से रिलेटेड का जो होगा वो उस ओपीडी में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से उनको जैसे पंचकर्म जाकर कराना है तो उनको उसमें भेजा जाता है। हमारे यहाँ योगा के टीचर भी अवेलेबल है, जो उनको पथ्य अपथ्य और योगा से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, या जैसी उनकी हो सकती है हमारी मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उस हिसाब से हम उनको मेंटेन करके उनका शुगर लेवल में लाने की कोशिश करते हैं, परहेज के थ्रू, दवाओं के थ्रू, पंचकर्म के थ्रू, या जैसे भी हो सके उनको बस आराम देते हैं हम लोग, कि उनका लेवल में आ जाए शुगर और वो कंट्रोल में रहे, उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं। मैं डॉक्टर आरवीएन पांडे, चेयरमैन शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बलिया से हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में सल्लिया से किया है। देखा जाए तो कार्य प्रणाली के बसरते आपका हॉस्पिटल पूरे जनपद में नामी हो गया है, मशहूर हो गया है, कारण क्या है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आदमी सबसे पहले आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो ऐसा है कि इसको प्रचलित होना ही है। हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, पहले रोग से पहले रोग को ठीक कर देना। अगर हम रोग होने से पहले ही रोग पर विचार करें तो निश्चित रूप से रोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा और रोगी होंगे ही नहीं। इसके साथ साथ रोग की समुचित चिकित्सा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो आयुर्वेद पद्धति में है और उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग छोटी छोटी समस्या पे अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी पैथी पे हमें कुछ नहीं कहना है, हर पैथी अपने आप में विकसित है और अपने आप में अच्छी है। हम आयुर्वेद की बात करेंगे,
आयुर्वेद हमारे लिए वेलनेस के लिए और चिकित्सा के लिए एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अच्छा, 5 गांवों को सुनने में आ रहा है गोद लिया गया। जी जी जी, तो सभी का निःशुल्क इलाज होता है? बिल्कुल, 5 गांवों के अलावा, 5 गांवों को तो गोद लिया ही गया है, इन 5 गांवों के अलावा भी अगर कोई किसी अन्य गांव से भी मरीज आ रहा है तो उसकी भी चिकित्सा निःशुल्क दी जा रही है। 5 गांवों में कौन कौन गांव सम्मिलित हैं? 5 गांवों में हमारा मझौली है, शंकरपुर है, बघौली है, सरया डुमरी है और घघरौली है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो काफ़ी भीड़ है, लोग बड़े आशा से आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम कहेंगे कि पूरे जनपद से लोग आ रहे हैं, और ये जो भीड़ दिख रही है आपको, इसका एकमात्र कारण ये है कि इनको समुचित तरीके से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और मरीजों को फ़ायदा हो रहा है, और मरीज को जब फ़ायदा मिलता है तो वो जगह जगह से अपने परिचितों को और हर जगह से बुलाते हैं, जिसका यही कारण है कि भीड़ हमारे यहाँ उपस्थित हो रही है। श्री भगवान गुप्ता जी, कहाँ से पाए हैं? आप घर पर नारायणपुर घरौली जी, कहाँ पर पाए हैं? अभी कहाँ आए बड़ा? मझौली हॉस्पिटल में। कहाँ आप दारा दिक्कत बा? डाँड में दर्द है, अरे पैर में दर्द होता है। कितना दिन से होता है? अभी तक काल से है। कुछ बार आराम ना मिले? एक आध मारिश नहीं हुआ थे, मतलब कुछ आराम है कि नहीं? दवा घर लेकर गए हैं। अच्छा, ठीक है। इलाज के लिए पैसा भी लग रहा है क्या यहाँ पर? ना ना, फ्री में इलाज हो रहा है आपका? हाँ, फ्री में। कहाँ घर है? एजा मझौल। कहाँ आए बनी? आयुर्बन हॉस्पिटल। कहाँ दिक्कत बढ़ गया? दिक्कत है पंखा में बा, दाम में से सुई निकल गया दाम में बा, पैर फटल फटल। कब से आप आ रहे हैं? अरे 7-8 दिन हुई। अच्छा, इलाज का इलाज हो रहा है यहाँ पर? हाँ, इलाज बा, आराम हो रहा? हाँ, ढेर आराम हुआ। पैसा वैसा के ढेर लागत हुई? पैसा को पैसा ना लगे, पैसा ना लगे। हाँ, फ्री में आपका इलाज हो रहा है? हाँ, फ्री में इलाज हो रहा है आपका? हाँ, ठीक है। क्या नाम है? चिंता जी, कहाँ से आए बने? घघरौली से। घघरौली से? हाँ। कहाँ कहाँ आए बने अभी? क्या हुआ है आपको? डाँड में दर्द। दर्द है? कितने दिन से आ रही हैं? 2 दिन से। आराम है कुछ हो? हाँ, आराम बाटे जी। पैसा वैसा लिया जाता ना फ्री में? कहीं केहू लिहल है तो रुपया ना, पर फ्री में इलाज हो रहा है अपना। सुमन मिश्रा। कहाँ कराने वाली हैं? मझौली जी। अभी कहाँ आई हैं आप? शांति हॉस्पिटल। क्या दिक्कत है आपको? पैर से दिक्कत। कितने दिन से आ रहे हैं? अभी कल से। कुछ आराम वराम मिल रहा है कि हाँ। नहीं आराम मिल रहा है जी? उसके लिए कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है यहाँ पर? पैसा लिया जा रहा है? नहीं, पैसा फ्री में, मतलब आपको आराम है? हाँ।